सो हे गाइस, वेलकम टू द चैनल वी बैक। और गाइस, आज के इस वीडियो में मैं प्रॉपर आपको बताऊंगा कि कैसे आप जियोवानी को बीट कर सकते हैं, और ऐसे पोकेमॉन्स बताऊंगा जो हमेशा आपके लिए बेस्ट रहेंगे, कभी भी आप जियोवानी को बीट कर सकते हैं। यहां पर मैं आपको क्लियर कर दूं, फर्स्ट ऑफ ऑल तो अगर आप यहां पर स्पेशल रिसर्च जो पोकेमॉन गो की तरफ से हमें मिली है इस इवेंट में, वो अगर आप कंप्लीट करते हैं तभी आपको सुपर रॉकेट रडार मिलेगा, देन आप जियोवानी को फाइंड करके म्यूटू को कैच कर सकते हैं। शेडो म्यूटू आपके पास होगा और बहुत ही पावरफुल भी होगा, बहुत यूजफुल होगा आपके लिए शेडो म्यूटू, तो आपको कैच करना ही जरूरी है। एंड एक और बात मैं बता दूं, बहुत से लोगों के कमेंट्स आ रहे कि ब्रो यहां पर हमने जब बीट करा जियोवानी को तो हमें वहां से स्वीकिन मिला, तो ऐसी बात नहीं है, आपका ये पहले से यहां पर टास्क होगा, आपने वो कंप्लीट नहीं किया होगा, जब जस्ट आपने अभी इसे कंप्लीट किया है तो आपको यहां पर वो स्वीकिन मिला है, आपको नेक्स्ट यहां पर रिसर्च अगेन मिल जाएगी, आप चेक कर सकते हैं, नहीं तो पोकेमॉन गो को फिर से क्लियर डाटा करके देख सकते हैं, आपको वो रिसर्च मिल जाएगी, आप उसे कंप्लीट करें, आपको शेडो म्यूटो वाला जियोवानी मिल जाएगा। अब मैं आपको बताता हूं कि कौन से बेस्ट पोकेमॉन होंगे आपके लिए यहां पर, और जो मैं पोकेमॉन्स बताऊंगा उनके अटैक पर भी आपको बहुत सही ध्यान देना है, वो भी मैं प्रॉपर बताऊंगा, वो चीज नहीं देखेंगे तो आप बीट करने में थोड़ी मुश्किल आएगी आप सभी को। और मैं आपको बता दूं, यहाँ पर स्लिफ, अर्लो एंड सियरा को भी आप ग्रेट लीग के जो पोकेमॉन्स हैं या फिर कहूँ तो 1500 सीपी के पोकेमॉन हैं, उनसे भी कम सीपी के पोकेमॉन से आप बीट कर सकते हैं उन तीनों ही को। और मैं बता दूं, उस पर वीडियो प्रॉपर आ जाएगी, आप वो वीडियो देख सकते हैं, आपको इजी वे में इन्हें आप कभी भी बीट कर पाएंगे। सो गाइस, सो फर्स्ट पोकेमॉन होगा हमारा यहाँ पर, हमेशा कभी भी आप जियोवानी से बैटल करने जाते हैं तो आपके लिए बेस्ट पोकेमॉन होगा वो होगा फ्रेंड्स यहाँ पे लुकैरियो। यस फ्रेंड्स, लुकैरियो आपके लिए बेस्ट होगी, आप रियालू गेट करके लुकैरियो गेट कर सकते हैं। रियालू कैसे गेट करनी उस पर भी मैंने वीडियो बना रखी है, नहीं तो मैंने लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वो देख सकते हैं। जो यहां पर लुकैरियो का बेस्ट अटैक होना चाहिए वो होना चाहिए फ्रेंड्स फास्ट अटैक होना चाहिए काउंटर, एंड देन जो चार्ज अटैक होगा वो होगा फ्रेंड्स यहां पर पावर पंच। तो ये अटैक आपके पास होने चाहिए लुकैरियो के, तब आप इजी वे में बीट कर पाएंगे। नेक्स्ट जो सेकंड पोकेमॉन होगा वो होगा माचैम्प। माचैम्प का आप कोई सा भी अटैक रख सकते हैं यहां पर, क्लोज कॉम्बैट रख सकते हैं, आप क्रॉस चॉप भी रख सकते हैं और कोई भी रखते हैं, इसमें ज्यादा मैटर नहीं करेगा, आप इसे जस्ट यूज कर सकते हैं। एंड देन जो लास्ट जो पोकेमॉन होगा वो होगा स्काइजर, यानी कि साइथर का इवोल्यूशन, और इसका जो बेस्ट अटैक होगा वो होगा एक्सीजोर। आपके पास एक्सीजोर साइथर होना ही चाहिए, अगर वो नहीं होगा तब आपको बीट करने में या फिर कहूं तो म्यूटू को बीट करने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ सकती है, तो वो जरूर होना चाहिए साइथर का एक्सीजोर अटैक। देन अब आपको क्या करना है, फाइंड करना है नॉर्मली जियोवानी को। अब बैटल करने जाता हूं, आप देख सकते हैं फर्स्ट पर आपको रखना है लुकैरियो, सेकंड पे माचैम्प, एंड थर्ड होना चाहिए हमारा यहां पर स्काइजर। एंड यहाँ पर एक और बात ध्यान रखना, जो ये अटैक है पावर पंच वो बहुत जल्द भी आता है, तो इस वजह से आप इसका बहुत अच्छे से यूज कर सकते हैं और जियोवानी को बीट करने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और यहां पर शेडो म्यूटू बॉम्ब दिख रहा है देखने में, पर्सनली यहां पर बहुत अच्छा दिख रहा है यहां पर, और फर्स्ट लुक मैंने एक डाली भी थी छोटी सी क्लिप, वो वीडियो भी चेक नहीं किया तो वो भी चेक कर सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो प्रॉपर समझ में आई होगी, अच्छी भी लगी होगी, मिलता हूं किसी और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए पूरी वीबैक फैमिली को और शेडो म्यूटू की तरफ से सभी को बाय।